जल्दी दे दीजिए, जाना है। तिवारी जी पकड़ लो ना आईडी, उस तरफ से करो, आप थोड़ा से करो, बस साइड करी आईडी में रोल थोड़ी सी आगे आईडी कर जी। मतलब चर्चा है कि मध्य प्रदेश को तोमर चाहिए और शिवराज जी को भी तोमर चाहिए मिशन 2018 के लिए। इस प्रकार की कोई भी चर्चा पार्टी के विचार में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा का चुनाव लड़ेगी और निश्चित रूप से पुनः 2018 में सरकार बनाएगी। नंद कुमार चौहान के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जाएगा या फिर कोई दूसरा नाम भी आ सकता है? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। अच्छा, आपको अगर जिम्मेदारी दी जाती है तो क्या आप तैयार हैं जिम्मेदारी उठाने के लिए? नहीं, जो विचार में ही नहीं है बात, उस मामले में चर्चा करने की जरूरत क्या है? चौथी लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सब मिलकर, पहले जो तीन लड़ाइयाँ लड़ी हैं उसी प्रकार से चुनाव में लड़ेंगे और फिर से सरकार बनाने में सफल हो। सर, सौदान सिंह जी के दौरे को आप किस तरह से देखते हैं? 3 दिन वो यहाँ पर रहे, कई मंत्रियों से मिले, एक लंबा दौरा रहा उनका 3 दिन का। सौदान सिंह जी हमारे राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री हैं। पार्टी ने पिछले दिनों यह तय किया था कि संगठन महामंत्री, संगठन सह महामंत्री और पार्टी के जो महामंत्री हैं ये अपने द्वारा निर्धारित जो राज्य हैं उन राज्यों में 3 दिन के लिए प्रवास करेंगे। तो बाकी सभी महामंत्रियों को जो जो काम बटा था उस हिसाब से सभी लोगों ने वो प्रवास किया है। उसी क्रम में सौदान सिंह जी का प्रवास यहाँ था। ये पार्टी की योजना थी और लगभग 6 महीने पहले योजना बनी। किसान सम्मान यात्रा निकलने वाली है तो आपको लगता है अब जो खेती है वो प्रॉफिटेबल धंधा नहीं बचा है, ऐसा किसानों को बताने की जरूरत है? अब उनको समझाने की जरूरत है। कांग्रेस जो है किसान और जो है अपराध का मुद्दा इशू बना रही है। कांग्रेस के पास तो कोई इशू है नहीं, कांग्रेस तो विषयहीनता के दौर से गुजर रही है। देश भर में अप्रासंगिक हो रही है, मध्य प्रदेश में भी अप्रासंगिक है और आने वाले कल में और अप्रासंगिक होते हुए आप देखोगे। जहाँ तक मुद्दों का प्रश्न है तो कोई भी राजनीतिक दल किसी भी चीज़ को लेकर चुनाव में जा सकता है, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार ने जो कुछ किसानों के लिए किया है मैं समझता हूँ बहुत अधिक है और मध्य प्रदेश की सरकार आज भी लगातार इस दिशा में प्रयास कर रही है कि किसानों की माली हालत सुधरे, किसानों को किसी प्रकार का नुकसान ना हो। कमिश्नर पॉलिसी भी आने वाली है।